इंदौर के पोहा जलेबी के तो बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज मैं आ गया हूँ इंदौर के सैनी उसल पोहे वाले की शॉप में। जी हाँ गाइस, और जो इनका उसल पोहा है ये खाने के लिए लोग इंदौर के कोने कोने से आते हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा, आप सभी को बहुत मजा आएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू। दुकान में आप जब भी आएंगे तो आपको सिर्फ गर्म ही गर्म खाने को मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ बहुत जल्दी जल्दी सर्व करते रहते हैं और न्यू मटेरियल बनता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो प्लेट नहीं बल्कि एक बार में 10 से 15 प्लेट पोहे सर्व करते हैं भैया। गाइस यहाँ पे जो लोग खा रहे थे तो मैंने उनको पूछा कि आखिर इस पोहे में क्या ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि ये जो उसल का और जो पनीर का कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी बेहतर है। तो अगर आप कभी भी इंदौर आते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ, और फेमस तो है ही है, इनको फेमस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप जब भी कभी इंदौर आते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ और खा के देखें कि क्या सच में आपको अच्छा लगता है या नहीं। चलिए जो शॉप के ओनर है मालिक है भैया से बात करते हैं। भैया नमस्ते, ये कितने साल हो गए अपनी शॉप को? 25 साल हो गया। अच्छा, तो आप ही ने स्टार्ट किया आपके पहले? पापा ही ने किया था। अच्छा, ये क्या प्राइस रहता है इसका? इसका सादे पोहे का 20 रुपए है और वैसे पोहे का 40 रुपए। ठीक है ठीक है, और टाइमिंग क्या रहता है अपने शॉप का? इसका सर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे। ठीक है सर। पापा बनाते थे इसको, पहले एग्रीकल्चर कॉलेज की दुकान थी जिसमें थोड़ी 2-3 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज पर पोहे बनाते थे, फिर मिसल बनाते थे, वो शुरू उन्होंने ही किया था। अभी उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। अच्छा अच्छा, कम आते हैं। सही बात, संडे बाकी मैनेजमेंट जो घर पे देखते हैं वो सब वही करते हैं। ठीक है, चलिए एक प्लेट लगाइए उसल पोहा, जो आपका क्या क्या रहता है उसमें? सबसे पहले क्या आएगा उसमें? सर पोहा लेंगे। ठीक है, उसल स्मूथ का उसल है। अच्छा, और इसमें पनीर मीठा है? जी सर, पनीर है, पनीर थोड़ी सी मोटी बारीक से क्या प्राइस रहता है? 40 रुपये। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से लोग वेटिंग में खड़े हैं। अभी का दोपहर के 12 से 1 बज रहे हैं। अगर आप कभी भी मॉर्निंग में आएंगे या फिर शाम के टाइम तो आपको बहुत सारा रश दिखेगा यहाँ पे। तो चलिए अब मैंने पोहे तो ले लिया यहाँ से, लेकिन आइए बाहर भी आपको दिखाता हूँ कि आखिर क्या क्या चीज़ यहाँ पे अनलिमिटेड है, जो कि मतलब आप जितना लेना है आप ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लेमन है और ये मिर्ची का अचार आ गया और एक चटनी आ गई। अनलिमिटेड है बाहर में, जितना आपको लगे आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं ले लूँगा 1 लीटर। तो चलिए गाइस भैया से जो शॉप की लोकेशन है तो वो आके हम पूछ लेते हैं। भैया लोकेशन बता दीजिए। सर ये पिछलाना वर्ल्ड कप थोड़ा सा बिचोली के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसी रोड पे है, लेफ्ट हैंड पे दिल पसंद ड्रिंक्स बिल्डिंग में। क्या नाम है अपने शॉप का? सैनी उसल पोहा। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है भैया, वेलकम भैया। तो चलिए गाइस, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।